दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा बहुत सारे फास्ट बॉलर गेंद को सीम में फेंकने के बजाय क्रॉस सीम करके फेंकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रॉस सीम गेंदबाजी करने से क्या फायदा होता है, क्या आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो क्रॉस सीम गेंदबाजी की सबसे पहली बात करें तो बॉलर इसका एज अ वेरिएशन इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे ये काम करता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो बॉल को क्रॉस सीम में फेंकने से क्या होता है कि बॉल इस प्रकार से जाती है बबल करके सीम, तो इस प्रकार से करने से गेंद कहाँ पर टप्पा गिरेगी ये किसी को पता नहीं होता, ना बैट्समैन को पता होता है ना बॉलर को पता होता है। इस प्रकार से जाने से गेंद जो है वो सीम में भी लैंड कर सकती है और ये वाला सरफेस के अंदर भी लैंड कर सकती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर गेंद सीम में लैंड कर जाती है तो एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाती है और ये लेदर वाले पार्ट में अगर टप्पा गिर जाता है तो गेंद स्किप कर जाती है यानी तो और थोड़ा नीचे से चली जाती है। तो इसी वजह से बैट्समैन बाउंस को समझ नहीं पाते, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बॉलर एज ए वेरिएशन डिश का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार आप लोग आईपीएल में देख भी रहे होंगे कि शार्दुल ठाकुर काफी ज्यादा क्रॉस सीम गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने दो बैट्समैन को उस दिन फंसाया भी था, पहले शुभमन गिल को और उसके बाद रसल को। तो शुभमन गिल का जो बॉल है वो शायद थोड़ा सा नीचे रह गई थी और जो उसका रसल का गेंद है वो एक्स्ट्रा बाउंस कर गई थी। तो इसी वजह से होता है जब गेंद सीम में लैंड करती है क्रॉस सीम फेंकने से तो गेंद एक्स्ट्रा बाउंस कर जाती है और मतलब किसी को पता नहीं होता है, बॉलर को भी पता नहीं होता है कि गेंद कैसी हरकत करेगी। और अगर हम लोग दूसरी बात की बात करें तो नए बॉल से भी बहुत सारे बॉलर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नए बॉल से करने का इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नए गेंद से स्विंग दिखाना होता है क्रिकेट में। लेकिन कुछ बॉल ऐसे होते हैं कि वो लोकल वाले बॉल, मतलब आप लोकल टूर्नामेंट में ज़्यादातर ऐसा देखोगे कि वो इतना ज़्यादा फिसला वाला बॉल होता है, मतलब एकदम लो क्वालिटी के बॉल होते हैं, उसके ऊपर एक कुछ प्लास्टिक जैसा लेयर सराया जाता है, तो आप उसको चाहकर भी सीम में पकड़ के नहीं फेंक सकते, वो इतना ज़्यादा हाथ से फिसल जाता है, गेंद ऐसे ही निकल जाता है। तो उसको भी कम करने के लिए बहुत सारे गेंदबाज क्या करते हैं कि गेंद को क्रॉस सीम करके फेंकते हैं। और इसके अलावा कुछ बॉलर क्या करते हैं, उनको स्विंग का कंट्रोल नहीं होता नए गेंद से, वो गेंद जब फेंकते हैं वो वाइड चली जाती है, तो इसीलिए तब वो गेंद को क्रॉस पकड़ लेते हैं सीम को और मतलब सीधा सीधा फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से फेंकने से जब उनका दो तीन बॉल अच्छे से निकल जाता है बिल्कुल सीधा सीधा, तब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है और तब वो अपने सीम के साथ भी गेंदबाजी करने लगते हैं। और कुछ बॉलर क्या करते हैं कि एयरकार फेंकते टाइम भी गेंद को क्रॉस पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनका जब एयरकार फेंकने जाते हैं फुल टॉस गिरती है, तो इसीलिए मतलब पूरा कंट्रोल करने के लिए बॉल के ऊपर वो क्रॉस सीम करके फेंकते हैं। तो क्रॉस सीम गेंदबाजी करने से क्या होता है कि ना तो आपको स्विंग मिलती है, गेंद बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, मतलब गिर के भी अपना ये सीधा जाएगा, थोड़ी बहुत कट कर सकती है अगर सीम पे गिर जाता है, लेकिन हवा में ये कोई भी हरकत नहीं करती। तो इसीलिए ये फायदा बैट्समैन के पास होता है कि बॉल उनको बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाता है, लेकिन बाउंस के साथ उनको दिक्कत रहती है। तो आखिर में यही कहूंगा कि आपको क्रॉस सीम गेंदबाजी करने के लिए आपके अंदर पेस होना बहुत ही जरूरी है, मतलब आपको गेंद को एकदम दबा के फेंकना पड़ेगा ताकि गिर आप मिट्टी से यह जोर से हिट करे। तो इस प्रकार से अगर आप फेंकोगे तभी फायदा ले सकते हो, अगर आपके बॉलिंग में पेस ही नहीं होगा तो क्रॉस सीम गेंदबाजी करोगे तो वो बैट्समैन के बिल्कुल बैट पे आएंगे और वो मारेंगे छक्के, तो ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपके गेंद में पेस नहीं है। तो अगर आप क्रॉस सीम पकड़ के बिल्कुल दम लगा के बॉल को फेंकते हो तभी इससे फायदा ले सकते हो। तो दोस्तों बस यही था गेंदबाज क्यों क्रॉस सीम बॉलिंग करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, एक छोटा सा टॉपिक आज कवर किया। तो अगर आप लोग इसी प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हो, इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस, तो कमेंट करके बताओ और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या होना चाहिए इसके बारे में भी बताना, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम।